नमस्कार, रैड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सासाराम में। सासाराम का ये नेहरू पार्क है, आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और इधर बुजुर्ग लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। इधर आप देखिए किस तरह से लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। सुबह का वक्त है और हम यहाँ आए हैं जन की बात करने। हम ये जानने आए हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर सासाराम की जनता क्या सोचती है। इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि बिहार की जनता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में किसे अगला मुख्यमंत्री बनाएगी। तो आइए शुरू करते हैं जन की बात। पीएम मोदी के 4.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो उनके कामकाज को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूरे भारत की राजनीति केवल हिंदू और मुस्लिम पर हो रही है। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, जवान बच्चों को सब लोग बेकार घूम रहे हैं। सरकार में गिट्टी पर बैन कर दिया, बालू पर बैन कर दिया, मिट्टी पर बैन किया, प्रोग्रेस का काम सारा ठप हो गया, बेकारी ज़्यादा बढ़ गई, छिनताई चोरी चमारी बदकारी ज़्यादा होने लगी, क्राइम बढ़ गया, सरकार से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो भाई, अब तो यह है कि 2019 के चुनाव में सोचा जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि एक बार उनको मौका दिया गया, सेकंड टर्म जो है GST ला के बनिया वर्ग के लोगों को एकदम जमीन पर ला दिए, बिजनेस सारा स्टॉप हो गया, ये सब परिस्थिति है। तो पीएम मोदी, राहुल गांधी या कोई और? नहीं, मायावती आए तो ज्यादा बेहतर है, दोनों से बेटर वो रहेंगी, वो मैच्योर्ड है और मिली जुली सरकार ज्यादा बेहतर होती है। ये तो डिक्टेटरशिप हो गया, मोदी जी ने जो चाहा वही किया, लेकिन उसका कोई लाभ पब्लिक को नहीं मिल रहा है। लाल कार्ड बंद हो गया, जो गरीब लोगों को मिलता था, राशन तेल मिलता था हरा कार्ड पर, अनाज मिलता था 19 किलो गेहूं मिलता था, गरीब वर्ग के लोग ज़्यादा इसमें त्रस्त हो रहे हैं, व्यापारी लोग बेचारे परेशान हैं, ऊपर के जो 1 नंबर लोग आते हैं पूंजीपति वो ज़्यादा खुशहाल है, मीडियम वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है, BPL वर्ग तो एकदम ध्वस्त हो गया है। गरीब बच्चियों के शादी ब्याह में 10 लीटर तेल मिल जाता था, वो भी शहर में बंद हो रहा। DMC में हम लोगों ने मुलाकात किया, कहा कि ये तो भाई ये केंद्र सरकार की राजनीति है, उन्होंने बंद कर दिया तो मैं कहाँ से उपलब्ध करा सकूँ। ये सब परिस्थिति है, लेकिन सही हालात नहीं है। मीडियम वर्ग और नीचे का तबका बहुत परेशान, मीडियम वर्ग और नीचे का तबका बहुत परेशान है। ये बताएं कि बात करें बिहार की सियासत की, तो बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दो नाम हैं, इन दो नामों में से एक को चुनना होगा, तो आप किसे चुनेंगे? तेजस्वी यादव युवा वर्ग से आता है, दूसरे सुलझा हुआ लड़का है, नए लोगों को मौका देना चाहिए, ये बात नहीं है। UP में अखिलेश यादव भी ठीक है, ये बात नहीं है, उसने काम भी किया है, इस योगी सरकार से बेहतर काम किया है। हमारे यहाँ जो है जब तक ये दोनों मिलके काम कर रहे थे, काम ठीक चल रहा था, जब से ये एक डबल इंजन आ गए, मोदी जी आ गए, आपके जाके नीतीश कुमार बाबू आ गए, तो इन लोग की सरकार जो है वो काम नहीं कर पाई जो पहले कर रही थी। अब क्या है क्या नहीं है, इनके आने के बाद पहाड़ बंद हो गया, अब मैंने बताया आपको कि बालू गिट्टी पर बंद हो गया, मिट्टी पर बंद हो गया, तो सारा काम सड़क निर्माण गलियारे निर्माण सारा ठप हो गया, प्रोग्रेस का काम ठप हो गया, जो धरातल पर दिखाई देता है वो काम नहीं हो पा रहा है आज के डेट में, उसी कारण क्राइम बढ़ गए। जितने लोग गिट्टी में लगे हुए थे, बालू में लगे हुए थे, मिट्टी में लगे हुए थे, सब बेकार हो गए, बेकारी बढ़ गई, क्राइम बढ़ गया, छिनताई होने लगी, तो अब और लॉ एंड ऑर्डर इनके कंट्रोल के बाहर की बात हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर जो है एकदम बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, क्रिमिनलों का जो है बोलबाला है, सरकार में सरकारी पदाधिकारी का ज़्यादा बोलबाला है, वो जो चाह रहे वही हो रहा है, मुखिया चाहते हैं वो काम नहीं होता, सरपंच चाहते हैं वो काम नहीं होता है, टाउन में जो है कार्यपालक पदाधिकारी जो चाहते हैं वही होता है, तो ये मीडियम क्लास और उसके नीचे का जो सबसे दबा हुआ तबका वो ज़्यादा परेशान है इस सरकार में, जो कांग्रेस सरकार में इतना नहीं था। कांग्रेस सरकार कम से कम चावल गेहूं गरीबों को देता था, BPL के नाम पर लाल कार्ड था, गेहूं चावल मिल जाता था, मिट्टी का तेल मिल जा रहा था, सब बंद हो गया, तो नीचे का तबका बहुत परेशान है, मीडियम क्लास तो पिस रहा है, वो अपनी मान सम्मान इज्जत आबरू बचाने के लिए पिस रहा है,
लेकिन नीचे का तबका तो बिल्कुल जमीन बोस हो गया, ध्वस्त ध्वस्त हो गया। तो ये बताइए कि पीएम मोदी के 4.5 साल हो गए, उनके काम काज को आप कैसे देखते हैं? बेरोजगारी बढ़ रहा है, जो ये कहे थे कि हम 2 करोड़ लोगों का योगदान देंगे युवाओं का, तो वो कहाँ दे पा रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में काम हो रहा है, ऐसे रेलवे है, रेलवे के क्षेत्र में काम किए हैं, रोड के क्षेत्र में काम हुआ है विशेष, लेकिन इनको ध्यान देना पड़ेगा। बेरोजगारी के क्षेत्र में युवाओं का इतना पढ़ाई लिखाई हो रहा है और कहीं रोजगार रोजगार के लिए लोग भटक रहा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं, वोट डालने की बारी आएगी तो किन बातों को ध्यान में रखकर वोट डालें? नहीं, तो सब बातों पर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का भी कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा है, कांग्रेस का भी तो शासन बहुत दिन रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन इधर आबादी भी बढ़ा है, तो आबादी के हिसाब से लोगों का रोजगार भी मिलना चाहिए। मुख्य मुद्दा रोजगार का है, बाकी तो सेक्टर में काम कर ही रहे हैं। जो है अभी FDI का विरोध करते थे, फिर FDI लाए, भाई जरूरी था, विदेशी निवेश बढ़ेगा, पूंजी बढ़ेगा, तभी लोगों का रोजगार बढ़ेगा। सबसे बड़ा चीज है रोजगार का, दिक्कत है यहाँ पर, ऐसा नहीं है, पूरे भारतवर्ष में दिक्कत है। दिक्कत है, लेकिन आपको लगता है कि पीएम मोदी इससे पार पा पाएंगे? कर रहे हैं, कोशिश तो करना ही पड़ेगा ना। मान लिया मोदी जी नहीं करेंगे तो फिर दूसरा जो सरकार आएगा उसको भी करना होगा, नहीं करेंगे तो नहीं चलेंगे, ऐसा थोड़ी ही है कि चलेंगे। जैसे है वो खाली अथी से थोड़ी बात बनाने से थोड़ी होगा, चलेगा काम। आप पीएम मोदी, राहुल गांधी या कोई और? नहीं नहीं, राहुल गांधी तो नहीं है, कैपेबल नहीं है, राहुल गांधी को सही नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता है कहाँ क्या बोलना है नहीं बोलना है। किसान के बारे में भी बहुत कुछ नहीं समझ पाते हैं, कहाँ पे क्या है, खेती आज तक देखे ही नहीं है, खेती कैसे होता है। एक चीज कहते हैं जो जानकार लोग हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी को जितने मतलब जैसे हैं वैसे दिखते नहीं है, और उनको जो है वो उसका उनका वास्तविक चेहरा लोगों को समझ में नहीं आया, उनको पप्पू बना दिया गया। ना ना, ऐसा नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनको बहुत अनुभव नहीं, हमको लगता है जो होना चाहिए एक राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक परिपक्वता होनी चाहिए, वो नहीं है। अब जैसे नीतीश कुमार है, यहाँ बहुत अच्छा काम किए हैं, काम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार को रहना चाहिए मुख्यमंत्री, मेरे हिसाब से रहना चाहिए, और लोग क्या कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो लोग समझेंगे। चलिए, मेरे अगले आतम राव तो खेती करते थे, उन्होंने क्या सुधार दिया? उन्होंने भी कुछ सुधारा नहीं, स्थितियां सेम ही थी, सेम ही है। लेकिन वोट देना उस आधार पे नहीं होना चाहिए आपका। हम इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं, नेता जरूर नहीं है, किसान हो, एक नेता ही हो, एक नेता का बात नहीं, हम आम जनता है, हमको नेता से क्या मतलब है। सबसे बड़ा चीज है कि देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है, जब तक कृषि में ग्रोथ नहीं होगा ये विकास संभव नहीं है। और आज 25-30% लोग हर एक साल खेती छोड़ रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बात की, कृषि में ग्रोथ नहीं होगा तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन पीएम मोदी जी ने किसानों को लेकर बहुत सारे वादे किए थे, क्या उन वादों में से एक भी वादे पूरे हुए आपको ऐसा लगता है? जैसे समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं कुछ, जैसे जो उत्पादन है उसका समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं। आपने सही कहा कि समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं, आपने कहा कि समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं, इस देश में किस किसान को समर्थन मूल्य पे अपना अनाज बेचने का मौका मिलता है? नहीं मिलता है, बीच में बिचौलिए लोग आ जाते हैं और उन लोगों को मजबूरी में बाजार में कम दाम पे किसान को अनाज बेचना पड़ता है। फिर इस समर्थन मूल्य का तो फिर कोई फायदा हुआ नहीं? नहीं नहीं, समर्थन मूल्य का है, जो बड़े किसान है उनको फायदा हो रहा है, जो छोटे किसान है जिनको पैसा का बहुत जरूरत है तो वो बेच देते हैं, इनको बड़ा किसान है तो वो अपना फायदा ले रहे हैं, छोटे किसान मझोले किसान को कोई विशेष फायदा नहीं है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। आज हमको खाद का जरूरत है, आज हमको मान लिया कि बेटा बीमार पड़ गया, उसके लिए चावल 1 क्विंटल 2 क्विंटल बेचना है, तो बेचारा कहाँ खोज ले चलेगा, किसको, वो जाके बाजार में ही देगा। लेकिन बड़े किसान जो 200-100 क्विंटल है, 100 है 1000 क्विंटल है, उनके लिए क्या है, वो तो अपना सेटिंग वेटिंग करके अपना बेचिए रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत छोटे किसान मंझले किसान है, उनको दिक्कत है। आप कुछ बोल रहे थे, आप ये बताइए मुझे कि 4.5 साल के कार्यकाल के पीएम को, तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? जुमलेबाजी के तौर पर हम देख रहे हैं, कोई लाभ नहीं हो रहा है, कोई खास लाभ नहीं हो रहा है। वोट डालने की बारी आएगी तो किन बातों को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे? विकास, विकास का मुद्दा रहेगा। पीएम मोदी, राहुल गांधी या कोई और 2019 के लोकसभा चुनाव?
आने वाला समय बताएगा। बात करें बिहार की राजनीति में, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दो नाम हैं, इनमें से किसी एक को चुनना होगा तो किसे चुनना पसंद करेंगे? अभी आने वाला समय आएगा तब बताया जाएगा। आप तो नहीं, आने वाला समय आप काम तो देख रहे हैं ना। आप मान लिया जाए तेजस्वी यादव सीन में नहीं है लेकिन वो भी संघर्ष कर रहे हैं, और नीतीश जी के कार्यकाल को आप 15 सालों से देख रहे हैं, तो आप ये तो कुछ बनाए होंगे ना मन में? अभी कोई इच्छा नहीं, अभी चुनाव आने दीजिए। ये बताइए सर कि 4.5 साल हो गया सरकार का, बीजेपी सरकार का 4.5 साल हो गया, पीएम मोदी भी मतलब 4.5 साल से ज्यादा ही हो गया है उनका। अब कुछ दिन बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, तो उनके काम काज को कैसे आप आकलन कर रहे हैं पीएम मोदी के कार्यकाल को? मोदी जी के कार्यकाल में तो जो भी काम हुआ है वो तो कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ खराब भी हुआ है, दोनों तरह हुआ है। लेकिन जो उसमें अभी 4 साल के अंदर में जो नोटबंदी किए हैं, उस नोटबंदी में अभी तक से जो हिसाब का आंकड़ा आया है उसमें अभी नहीं मिला है, पूरा क्लियर नहीं हुआ है। ऐसे तो सुनने में आ रहा है कि जितनी राशि होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, इसलिए हमारे समझ से नोटबंदी हुई लेकिन अच्छी नहीं हो सकी, उसकी जो लेखा जोखा है सही नहीं मिला अभी आज तक से। वो वोट डालने की बारी आएगी तो किन बातों को ध्यान में रख के वोट डालेंगे? हम वोट डालने की बारी आएगी तो जिसकी जो विकास का कार्य करेगा उसी को हम वोट देंगे। पीएम मोदी, राहुल गांधी या कोई और? अभी तो फिलहाल में तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, बनने के बाद पता चलेगा को क्या काम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अभी तो मोदी जी जो काम कर रहे हैं इनके अनुसार तो वोट देना अभी तो जायज लग रहा है, लेकिन अभी बाद में जो होगा उसके बाद देखा जाएगा। बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार जी हैं और तेजस्वी यादव, इन दो नामों में से किसी एक को चुनना होगा तो किसे चुनेंगे? नीतीश कुमार जी जो विकास का काम कर रहे हैं अपने नजरिया से तो ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी भावना है उसमें कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए कि सरकार की जो उस समय वोट देना था तो उस समय नीतीश जी राजद के साथ मिलकर लड़ाई लड़े, लेकिन लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने उनकी साथ छोड़कर और भाजपा में चले गए। उनको भाजपा में नहीं जाना चाहिए था, यदि राजद को छोड़ दिए तो उनको अकेले रह करके और जनता को कार्य करना चाहिए था, लेकिन अकेले नहीं किए, इसलिए विकास में कुछ बाधाएं भी हुई है। हम चुनने की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? बोलिए क्यों, परहेज क्यों कर रहे हैं? अभी तो हम वोट राजद को देंगे। क्यों राजद को क्यों देंगे? राजद को इसलिए देंगे कि उनको हम लोगों ने वोट देकर के कार्य विकास करने के लिए हम लोगों ने जिताए थे, उसमें उसमें नीतीश जी हट गए, इसलिए हम राजद को वोट दें, इसलिए राजद को वोट दें। आप ये बताइए कि पीएम मोदी के 4.5 साल के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं। विश्व स्तर पर पीएम मोदी हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाए, GST लागू किए, नोटबंदी लागू किए, देश के विकास के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया, विश्व स्तर पर भी उनकी पहचान इंडिया का कराया, बहुत अच्छा, उन्हीं को चाहिए। पीएम मोदी की कौन सी बातें हैं जो सबसे अच्छी लगी और कौन सी योजनाएं हैं जिसके बारे में आप कह रहे हैं? जैसे आपने नोटबंदी का जिक्र किया, GST का जिक्र किया, लेकिन जब भी नोटबंदी और GST की बात आती है तो आम जनता इससे बहुत परेशान है। आम जनता परेशान कहाँ है, सब ठीक है, हम भगवान नजर में तो परेशान नहीं है आम जनता। हम जब लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं, व्यापारी वर्ग के लोग कहते हैं कि GST की वजह से उनको काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, नोटबंदी की बात है तो नोटबंदी सक्सेस नहीं हुआ। पहले GST लागू नहीं था, उसे उद्योगपति पूंजीपति और व्यापारियों को बहुत लाभ था, सारा सरकारी टैक्स छिपा कर लोग रखते थे। अब जो भी कार्यक्रम हो रहा है नियम तो हो रहा है और साफ सुथरा समाज भी देख रहा है, पारदर्शी
प्रशासन चल रहा है। बात करें बिहार की, तो बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये दो नाम हैं, इन दो में से एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? हम तो अभी नीतीश को ही चुनेंगे, इसलिए नीतीश कुमार ने बिहार को पटरी पर लाया है। राजद दल का शासन हम लोग देख चुके हैं, बिहार के वाड़ा हो गया था नीतीश के शासन में, बिजली, सड़क, विद्यालय, सब कुछ, हॉस्पिटल, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। 4.5 साल सरकार के हो गए मोदी सरकार के, तो मोदी सरकार के 4.5 साल के इस कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? मोदी सरकार के 4.5 साल को जनहित के लिए, कड़ा फैसला के लिए जाने जाएंगे, और एक चीज है कि इनके राज्य में भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक लगाम लगा है, अभी तक वैसा कुछ आया नहीं, और देश के लिए सेना का आधुनिकीकरण इन्होंने किया है, कुछ रक्षा सौदा ये सारे चीज किया है, ये सारी चीजें लग रही है कि कुछ हो रही है, लेकिन वैसा अभी नहीं आया है कि मतलब कि जन समाज बोले कि नहीं भाई इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। और मेरे हिसाब से इन्हें कुछ जन लुभावन मुद्दे को रखना होगा, जिससे कि जनता को लगे कि इन्होंने जनता के लिए कुछ काम किया है। जब वोट देने की बारी आएगी तो किन बातों को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे? 3 मुद्दे हैं हमारे, बिजली, सड़क, घर, ये तीनों चीजें जब हम में मिलेगी तो हम वोट देंगे, इन्हीं मुद्दों को आधार में रखेंगे हमारा डेवलपमेंट, क्योंकि इन्होंने कहा था कि सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास, तो विकास दिखने लगेगा तो हम लोग वोट देंगे। पीएम मोदी, राहुल गांधी या कोई और? मोदी और राहुल गांधी में कंपैरिजन तो नहीं है, और राहुल गांधी को थोड़ा सा भी टाइम की जरूरत है, उसके उसमें तो बेहतर हैं, मोदी जी बेहतर हैं। बात करें बिहार की राजनीति की, तो बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दो नाम में से एक नाम को चुनना होगा तो किसे चुनेंगे? ये दोनों नाम हमें मान्य नहीं है, और नीतीश जी को मौका मिल चुका है, 3 बार लगातार मौका मिल चुका है, तो कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसे जनता को नया चेहरा की जरूरत है, नया चेहरे की जरूरत है। ये बताइए कि अभी 4.5 साल मोदी सरकार के हो गए हैं, आप उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? मोदी सरकार के कार्यकाल तो ठीक ठाक चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई जब सिस्टम बनता है तो थोड़ा सा पब्लिक को परेशानी उठाना पड़ता है, रेलवे ट्रैक पे जब ट्रेन चलती है तो थोड़ा सा क्रॉसिंग बंद करना पड़ता है, उसी तरह से मोदी सरकार, और कोई दिक्कत नहीं है। इस बार उम्मीद है कि मोदी सरकार आएगी तो हम लोग की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। वोट डालने की बारी आएगी तो किन बातों को ध्यान में रखेंगे? वोट डालने की बारी आएगी तो विकास कार्य को ध्यान में रखते हुए वोट डालेंगे। अभी दो नाम जो आ रहे हैं सामने, पीएम मोदी, राहुल गांधी या कोई और? पीएम मोदी। बात करें बिहार की सियासत की, तो बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दो नाम में से एक को चुनना होगा तो किसे चुनेंगे? तेजस्वी यादव। क्यों? क्योंकि नीतीश जी का जो भी कार्यकाल है हमारे क्षेत्र में, जो भी उद्योग है, जो भी कारखाना है, सब बंद पड़ा हुआ है। इन्होंने युवाओं को दिलासा दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तेजस्वी यादव युवा वर्ग है, नया चेहरा है, इनको एक मौका दिया जाएगा, मौके के बाद देखा जाएगा ये क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। एक बार तो सबको मौका देना ही पड़ता है ना। कि 4.5 साल मोदी सरकार के हो गए हैं, उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? बढ़िया है, मिला जुला के तो बढ़िया शासन कर रहे हैं मेरे ख्याल से, और हर में कुछ अच्छाई बुराई होती है, सब कुछ तो ठीक नहीं कर सकते एक बार में, मेरे समझ ठीक ठाक है बेचारे, अभी काम कर रहे हैं, एक बार और चांस उनको दिया जाए, है ना। वोट डालने की बारी आएगी तो किन बातों को ध्यान में रखेंगे? अरे वोट डालने की बारी आएगी तो अभी तो समय है, 5-6 महीना, देखिए आगे क्या होता है, और हो सकता है और बेहतर काम करें, यही उम्मीद है। मोदी, राहुल गांधी या कोई और?
अब हम भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं, हम अपना मत का अधिकार है, अपना मत जहां दे हम, है ना, तो हम तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। भविष्यवाणी लोग तो करा ही रहे हैं, जा रहे हैं ज्योतिष के यहाँ, भाई पेपर में रोज आ रहा है ज्योतिष ये है, वो आएंगे, है ना। ये बताइए कि बिहार की राजनीति में दो नाम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, दोनों में से किसी एक को चुनाव या किसे चुनेंगे? अरे अभी देखिए चुनाव को समय बताएंगे, अभी हम क्या बताएं? नहीं, आप काम तो देख रहे हैं, अब बहुत समय कम है, तो हम लोग जो ये कर रहे हैं एक निचोड़ निकाल रहे हैं कि मतलब क्या होगा, लोग क्या, जनता किसे पसंद कर रही है? अरे दोनों अपने जगह ठीक ही हैं, अभी तो उनको तो सत्ता मिला नहीं, अभी तो इन्हीं को मिला है, तो अब कैसे बता दे कैसे काम करेंगे नहीं करेंगे, फिलहाल तो ठीक कर रहे हैं, अब वो कैसा करेंगे वो तो बनने के बाद पता चलेगा। चुनने की बारी आ, हम पूछ रहे हैं चुनने के बारे में। चुनने के बारे में तो मतलब क्या हम बताएं, नीतीश जी तो ठीक है, अब देखिए अगला कुछ चेहरा नया आए उस समय देखा जाएगा। ये बताइए कि पीएम मोदी के 4.5 साल के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है ना, और उन्होंने बहुत अच्छा भी काम किया है, और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो अगला इलेक्शन आएगा उसमें जो है फिर से एक बार अगर सत्ता में आते हैं तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। कौन सी ऐसी बातें हैं पीएम मोदी की जो सब आपको सबसे अच्छा लगता है और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किए? बात यही है कि क्योंकि मैं यूथ हूँ तो एक यूथ के नज़रिए से जब मैं देखता हूँ तो जो उन्होंने यूथ को जो अपॉर्चुनिटीज़ दिया है, चाहे वो किसी भी वे से हो, चाहे वो एजुकेशन से मामले से हो या चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है जॉब जो है मतलब कि इतने सालों से जो 60 सालों से जो है जॉब अपॉर्चुनिटी जो यूथ को नहीं मिल पाई तो उसको मिलने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, तो इस तरह से लेकिन इम्प्रूवमेंट चल रहा है जिस तरह से, तो उससे मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा है। और उन्होंने यूथ को बहुत सारे जो है अभी देखें हम डिजिटल प्रोग्राम्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं तो वो भी एक अच्छा है आने वाले समय के लिए। अभी जो हम लोग बहुत सारे जो है ट्रांजेक्शन्स वगैरह जो कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, ठीक है ना, कैशलेस सोसाइटी, तो वो भी एक अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है और यहाँ तक कि एक यूथ के लिए जो है और टाइम की सबसे बड़ी ज़रूरत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी, राहुल गांधी या कोई और? जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। बात करें बिहार की राजनीति की तो बिहार में दो नाम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? देखिए अभी तक तो जैसा कहा कि अभी तेजस्वी यादव को देखा नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स ठीक है ना, मैं तो अगर चुनना हुआ तो नीतीश कुमार को चुनूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। कोई डाउट नहीं नीतीश कुमार में, लेकिन क्यों चुनेंगे ये भी बताइए। हाँ अच्छा, इसलिए क्योंकि देखिए अभी तक जो काम किया है उन्होंने, जो हमने पास्ट में देखा है उनको जो काम करते हुए पास्ट एक्सपीरियंस है, तो वो जो है उन्होंने काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट लाया है। हाँ, चाहे वो जो है आपको सिक्योरिटी से लेकर के हो, ठीक है ना, चाहे विमेंस रिजर्वेशन से लेकर के हो, चाहे जो है एक यूथ को देखते हुए, ठीक है ना, जॉब भी वगैरह बिहार में वैकेंसीज भी अभी थोड़ी आ रही हैं, ठीक है ना, तो उस मामले से जो है नीतीश कुमार अच्छा कर रहे हैं। और जो है अपना जो अपना ये ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, रोड वगैरह भी, तो वो उसकी भी कंडीशंस काफ़ी अच्छी हो रही है समय के साथ, तो उसके हिसाब से जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं अगर चुनना हुआ तो बिल्कुल नीतीश कुमार को ही चुनूंगा। आप बताइए 2019 के लोकसभा चुनाव अब नज़दीक है, बहुत कम वक्त रह गए हैं, पीएम मोदी के 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो उनके 4.5 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? तो पहले से तो बहुत काफ़ी विकास हुआ है, जैसे डिजिटल वगैरह, मतलब कि बहुत सारा चेंजिंग पहले से देखने को मिला है, तो इस इसको मद्देनजर रखते हुए हमारा ख्याल है कि आगे भी एक बार चांस दिया जाए, क्योंकि एक बार में तो कोई भी गवर्नमेंट इतना कुछ कर नहीं सकता है। इसके साल इसको मद्देनजर रखते हुए देखते हुए हमको लगा कि मतलब और इसको 5 साल दिया जाए, अगला चांस दिया जाए कि अगला चांस में कितना विकास करते हैं और क्या करते हैं। अभी तो हमको प्रोग्रेस बहुत काफ़ी देखने को मिला है जी। कौन कौन सा पीएम मोदी ने ऐसा कौन सा काम किया जो आपको अच्छा लग रहा है? जी डिजिटल कार्य किया है, प्लस सबको मतलब कि स्टूडेंट को भी बहुत अच्छा मतलब कि दिया है, सबको कंप्यूटर से जुड़ा है, सबको नेटवर्किंग पावर सब कुछ, मतलब इसे जो पहले अवेलेबल नहीं था जो आज के डेट में बहुत काफ़ी देखने को मिला है। युवा भी इसको देखते हुए मतलब युवा भी बहुत काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं जी। बात करें बिहार की राजनीति की तो बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दो नाम में से एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? जी मैं तो तेजस्वी यादव चुनूंगा, क्योंकि अभी हम उनको बहुत पहले से देख रहा हूँ जो भी किए, बट अब मैं सोचता हूँ कुछ नया चेहरा और कुछ नया कुछ लाया जाए यहाँ पे, ताकि वो भी कुछ करें, उनको भी मौका दिया जाए और कुछ देखा जाए ये क्या करते हैं, इनको तो हम लोग देख लिए उतना दिन से,
जी आप बताएं सर कि 2019 का लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, 4.5 साल से ज्यादा हो गए हैं पीएम मोदी के, तो उनके 4.5 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? इनका कार्यकाल अच्छा ही रहा, करप्शन वगैरह से दूर रहा, लेकिन इनका थोड़ा सा ये रहा कि बहुत सारे जो है प्लेटफार्म पर काम नहीं आया, मतलब कि सॉफ्टवेयर में दिखाई दे दिया, इधर दिखाई दे दिया, बहुत सारे पीएसयू कंपनी वगैरह भी है उसको भी कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट एम्प्लाई नो डाउट पीएसयू एम्प्लाई तो थोड़ा सा ना सुख है, और ऐसे सब मिला जुला के ठीक रहा। अगर हम लोग भी च्वाइस करेंगे तो अगला नेक्स्ट फिर उनको उन्हीं को चांस दिया जाए, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी होता है तो उसको चांस दिया जाए उन्हीं को। इन 4.5 सालों में आपको कौन सा पीएम मोदी का काम सबसे ज्यादा अच्छा लगा? सबसे ज्यादा अच्छा डिजिटल वाला लगा, जो गांव-गांव किसी भी तरह का कम्युनिकेशन बहुत जल्द पहुंच जा रहा है, और यंग युवा लोग भी इनसे खुश हैं कि इनके आगे के लिए जो भी हो ऑनलाइन थोड़ा सा डेवलप किए हैं ये, प्लस ट्रांसपेरेंसी बहुत कुछ में, वो जैसे गैस वोस में सब्सिडी वगैरह में बहुत सारे कुछ है, तो ट्रांसपेरेंसी हो गया, लोगों को विश्वास हुआ है कि जो अगर आ रहा है तो कुछ हमको जेन्युइन तरीके से मिलेगा, बीच में कहीं अगर उतना घोटालेबाजी का आशंका नहीं है, जो पहले इस तरह घोटालेबाजी होता रहता था उस तरह का, इस तरह का नहीं है घोटालेबाजी की आशंका नहीं है। ये बताएं, बात करें बिहार की राजनीति की, तो बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन दो नामों में से एक को चुनना होगा, तो आप किसे चुनेंगे? नीतीश कुमार नो डाउट बहुत बेस्ट लीडर है और उनका कार्यकाल अच्छा ही रहा, शुरू में बिहार को बहुत आगे बढ़ाया उन्होंने, बट अभी जो बिहार की स्थिति है, करप्शन है, ये रेप का बहुत दिन पर दिन केस हो रहा है, मार रहा, ये कंट्रोल से अब लग रहा है कि थोड़ा सा ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे नीतीश बेस्ट है अभी। नीतीश जी बेस्ट है। आप बताएं कि पीएम मोदी के 4.5 साल के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं? एकदम बिल्कुल बेकार है, इसलिए कि कोई रोजगार नहीं मिला, ना 4.5 साल में एक भी रेलवे का वैकेंसी, ना जा कोई नई वैकेंसी है, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक देश में कोई साबित नहीं है, जितने भी प्रधानमंत्री हुए इनसे सब सब अच्छे हुए, सबने कुछ ना कुछ किया, चाहे नौजवान हो चाहे हर क्षेत्र में गया, लेकिन ये बिल्कुल झूठे प्रधानमंत्री, जैसे रफाल हुआ, रफाल पर जो 500 करोड़ का 1600 करोड़ यानी बीच में जितना घोटाला हो रहा बाकी किसी प्रधानमंत्री के रीजन में नहीं हुआ था। आप कह रहे हैं कि घोटाला हो रहा है, अभी मैंने कम से कम 10 लोगों से बात की तो आप पहले व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि घोटाला किया, उनके समर्थक हैं, हम लोग न्यूट्रल होके कर रहे हैं, हम लोग न्यूट्रल होके बोल रहे हैं, जो जो नौजवानों में जो जज्बा है, जो आज जितने लोगों का उम्र एक्सपायर कर गया 4.5 साल में, एक वैकेंसी नहीं हुआ, जो बेरोजगारों की जितनी लंबी कतार है इसका भरपाई लग नहीं रहा है कि आने वाला समय में भी पूरा हो पाएगा, इसलिए ये सबसे झूठे प्रधानमंत्री हुए। पीएम मोदी, राहुल गांधी या कोई और, अगला कौन? देखिए पीएम मोदी से तो कोई भी हो जाए वो बेहतर है, इनको हटना चाहिए, अगर ये नहीं हटे तो फिर 5 साल में जो देश की स्थिति होगा बहुत से बदतर हो जाएगा, इसलिए इनको हटना चाहिए, इनको हटना चाहिए। बात करें बिहार की राजनीति की, तो बिहार में दो नाम, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तो आप किसे चुनेंगे? तेजस्वी यादव चूंकि नौजवान है, काम करने का भी जज्बा है, और जितने अच्छे बोलते हैं नहीं लग रहा है कि कोई नौजवान इतना बिहार में पहला बार जो मिला है, जो इतना अच्छा कंपेनिंग कर रहा है, इतना अच्छा बोल रहा है, अब बच्चों को या नौजवानों को लेकर साथ चल रहे हैं। आप बताइए कि आप पीएम मोदी के 4.5 साल के कामकाज को किस तरह से देखते हैं? मैं पीएम मोदी के 4.5 साल के कार्यों को किसी तरह से अच्छा नहीं लगा रहा हूँ। वो जिस जो बात को वादा किए थे कि युवाओं को रोजगार देंगे, कुछ भी नहीं दिए, और मतलब जो झूठा मतलब जो वादा किए सब झूठा निकला, उनका कोई काम अपने धरातल पर नहीं दिखाई दिया, और जो है जातिवाद जो है समाज में घोर आकाष्ठा एकदम वृद्धि हो रही है, मतलब सामाजिक सद्भाव भी नहीं हो पा रहा है इनके शासनकाल में, इसीलिए मैं उनके शासनकाल को अच्छा नहीं कहूँगा। वोट डालने की बात आएगी तो किन बातों को ध्यान में रख के वोट डालेंगे? जो सामाजिक सद्भाव को लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास जो करेगा उसी को मैं वोट दूंगा।
पीएम मोदी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास, तो नारा तो खाली दिखावा भर है, नारा कहाँ है, लेकिन समाज में जो है देखिए जातिवाद बहुत ज्यादा बोया गया है इनके शासन काल में, पीएम मोदी के शासन काल में, और झूठा वादा इन्होंने बहुत झूठा वादा किया जो समाज में कि ये करेंगे वे करेंगे, लेकिन कुछ नहीं धरातल पर आए। बात करें बिहार की राजनीति की तो बिहार में दो नाम तेजस्वी यादव नीतीश कुमार, इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? तेजस्वी यादव। क्यों क्यों? नए चेहरा जो है ये उभरते हुए, इनके काम करने की जो इसमें जज्बा है बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि जुआ है। नीतीश कुमार जो है पहले ठीक थे, लेकिन अब इतना बिहार में जो है अपराध बलात्कार जितना वृद्धि हो गया है, इसलिए मैं नीतीश कुमार को कदापि चुनना नहीं चाहूंगा। चाहेंगे हमारे साथ। आप ये बताएं कि पीएम मोदी के 4.5 साल को आप किस तरह से देखते हैं? पीएम मोदी के 4.5 साल एक तरह से कहिए तो ऊपर लेवल पे काफी अच्छा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काफी कमियां हैं। अभी भी स्थितियां वैसी ही है जैसे लोगों में देख रहे हैं, अगर वो चेंज होता तो लोग खुद आकर सामने वोट देते, वो बोलते, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ उनके लिए। लेकिन हम लोगों के लिए अच्छा है, जैसे हम लोग ऊपर लेवल पे हैं, बाहर जाते हैं, काफी प्रभाव है, लेकिन नीचे लेवल पे कुछ प्रभाव नहीं है। आपने कहा कि हमारे लिए अच्छा है, हम ऊपर बाहर जाते हैं तो हमारे लिए काफी अच्छा है, प्रभाव है, किस तरह का प्रभाव है, क्या अच्छा है? नहीं, जैसे हम विदेशों में जाते हैं या इधर उधर जाते हैं, जैसे मैं एक मरीन इंजीनियर हूँ, मैं बाहर जॉब करता हूँ, काफी टाइम विदेशों में ही मेरा बीतता है, यहाँ थोड़े समय के लिए आता हूँ, लेकिन देखता हूँ स्थितियाँ सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो एक असंतोष है लोगों में, नीचे के लेवल के लोगों में एक असंतोष है, हमारे लिए ठीक है, लेकिन सबके लिए होना चाहिए, वो अच्छा है। आप जैसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी देश में, 1% से भी कम होगी। हाँ, वो तो सही है, लेकिन इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे मैं अगर मैं खुद के लिए वोट दूं तो मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा, लेकिन मैं अगर सबको देखता हूँ तो थोड़ा और काम होना चाहिए था। वोट की बात की आपने, वोट देने की बात आएगी तो आप किन बातों को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे, और साथ में ये भी बताएं कि पीएम मोदी, राहुल गांधी या कोई और? ऑफ कोर्स मेरे लिए तो पीएम मोदी ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ नीचे लेवल पर भी काम हुआ है, लोगों के सोच में परिवर्तन हुए हैं। मैं काफी लोगों से बात करता हूँ, जो जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफी काम अच्छे हुए हैं, मतलब वो पढ़ाई कर रहे हैं, एक विश्वास है लोगों में, लेकिन फिर भी कहीं तो कुछ कमी है। बिहार की सियासत की बात करें तो बिहार में दो नाम है और अगला मुकाबला भी यही दो नामों के बीच होने की प्रबल संभावना है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन दो नामों में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? ऑफ कोर्स नीतीश कुमार को चुनेंगे, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अभी ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है बट इतना ही ठीक है। तो ये थी जन की बात, जन की बात में आपने सुना सासाराम शहर की जनता की आवाज, योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क सासाराम। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क, आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।